हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज बी क्रिएटिव। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ मटन कोरमा का रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी सा रेसिपी है। इसको आप रोटी, पराठा, नान या फिर पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 kg मटन ले लिया और उसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी के साथ प्रेशर कुक कर लिया है, ताकि मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा और फिर 3 से 4 मीडियम साइज़ प्याज स्लाइस करके ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मटन को ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में। पकाएंगे हम लोग, नहीं तो ये जल सकता है। ये देखिए, ये रोस्ट हो गया है। तब इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा थोड़ा स्टॉक डालेंगे ताकि नीचे जो मसाला है वो पकड़े ना। और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और फिर सब मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच व्हिप्ड कर्ड ऐड करेंगे और फिर सबको मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा थोड़ा स्टॉक डालेंगे और इसको कुक कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आफ्टर 15 to 20 मिनट जो ग्रेवी है वो थोड़ा ड्राई हो गया, तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे और फिर इसको बॉईल कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon बिरयानी मसाला और 1 teaspoon केवड़ा वाटर और थोड़ा सा धनिया का पत्ता और फिर सबको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको ढक के लो मीडियम में पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो मटन कोरमा इज रेडी। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी है। तो अगर आप लोग के पास मटन हो तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एंड कमेंट बिलो आप लोग को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरे चैनल में नहीं हो और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।